वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं फरहान भाई? मैं ठीक ठाक। अच्छा, बाकी तो बहुत जबरदस्त गाड़ियां खड़ी हुई हैं, फोर्ड रैप्टर, FJ40, कॉर्वेट एंड मस्टैंग, लेकिन ये रेवो को क्यों खड़ा किया हुआ है इधर? इसको खड़ी की हुई है इसलिए दिस इज नॉट स्टॉक। इसमें बहुत सारी मॉडिफिकेशंस लगी हुई हैं। इसमें HKS का एग्जॉस्ट लगा हुआ है, आयरन मैन की शॉक्स। तो ये इज 274 हॉर्स पावर। आपको कब से शौक है गाड़ी? मेरा तो बचपन से, जब से मैं पैदा होया था मेरा पहला वर्ड था ब्रम ब्रम। अच्छा, तो अभी भी तो आप छोटे ही हो, बचपन तो आपका शुरू हुआ। हाँ। तो ये कौन सी गाड़ी? ये है फोर्ड मस्टैंग बॉस 302 2013 मॉडल। ये हेनेसी से सुपरचार्ज होया हुआ है, 700 हॉर्स पावर। अच्छा, तो ये मैनुअल है? ये मैनुअल है, 6-speed। 6-speed मैनुअल है। तो 0 टू 100 इसका क्या फिगर होगा? 0 टू आई थिंक 4 सेकंड मेबी। अच्छा, हां आई एम श्योर कि 700 HP है तो सुपरचार्ज्ड। स्टार्ट तो करके दिखाओ। स्टार्ट आप कर लें, इसकी मेरी परमिशन नहीं, मैं अभी 10 साल का हूं। ये बताओ, ये कौन सी गाड़ी? ये बस स्टॉक S350 है इसका। तो ये मेरी दादा की गाड़ी है, ये जाते हैं। इतना नहीं पता इसका। मुझे इसका शौक थोड़ा नहीं है। ये मेरी फेवरेट होती थी जब मैं आपसे तो बड़ा था, मैं आपसे 15-16 साल का, 2006 मॉडल है और ये उस जमाने में बहुत पॉपुलर होती थी। और अंदर से बैठ के देखते हैं इसको, लेकिन क्या इसमें अच्छी बात क्या है आपको लगती? इसमें इसकी स्मेल और इसका जो लग्जरी इंटीरियर और सारा, सारी मर्सिडीज जो है ना पुरानी, उनकी इसी तरह की बन जाती है। आई थिंक लेदर है ना, जेन्युइन लेदर। लेदर है और प्रीमियम फील आ रही है सारी गाड़ी में। थोड़ी आवाज भी ऐसे है, मतलब बहुत पुरानी गाड़ी है ये। आपके लिए बहुत पुरानी, मेरे लिए तो 2006 लगता है ऐसे जैसे अभी ओ लेवल में होता था मैं। चले अगली गाड़ी पे चलते हैं। चले, लेट्स गो। ये तो बहुत प्यारी गाड़ी लग रही है, ये कौन सी है? ये है कॉर्वेट C7 स्टिंगरे Z51। इसमें 500 हॉर्स पावर, कुक्स के हेडर्स एंड ऑफरोड एक्स पाइप, कैट डिलीट। इंजन कौन सा है इसके अंदर, कितने सीसी है? 6.2 लीटर। अच्छा, V8। इसकी अग्रेसिव है बहुत आवाज, पर उस मस्टैंग से थोड़ी कम है। कैट डिलीट हुए हैं ऑफ कोर्स, ट्यून बाय कॉर्वेट वर्ल्ड। ये मुझे बहुत भी पसंद आता है। बंद कर लेते हैं, मेरे से आवाज नहीं आ रही। ये कौन सी गाड़ी है? ये जी है FJ40 V8। ये बनाई हुई है इधर। So, ये ब्लू कलर की होती थी। अच्छा, अब इसको ऑरेंज पेंट कर दी है। So, ये गवादर भी गई हुई थी ऑल द वे मेरे मामू चला के। इसकी कोई विंडोज नहीं है, इसके वो प्लास्टिक वाले विंडोज हैं। अच्छा, रबर के। तो और ऊपर इसकी वो जो सॉफ्ट टॉप होती है, ये सॉफ्ट टॉप है। ये रूफ अभी उतारी हुई है पूरा, रोल केज एंड ऑल। अच्छा, इधर ये साथ स्पेयर फ्यूल जेरिकैन लेके जाके जा रहे हैं। अच्छा, आपको सारी जार्गन पता है, जेरिकैन कहते हैं। तो इस पे बैठते कैसे हो आप? इस पे, इसके अंदर से दरवाजे काम नहीं करते हैं, ऐसे खोलना पड़ता है, पर यूजली मैं तो ऐसे जंप करके बैठता हूँ। बैठ के दिखाओ। मैं तो ऐसे ही बैठता हूँ। इसका तो स्टेप, इसका हाँ स्टेप भी थोड़ा फ्लिमजी है। अच्छा। सीट्स काफी कंफर्टेबल है। सीट्स नॉर्मली लोग इतना तवज्जो नहीं देते, सीट्स अच्छी नहीं लगाते। इसके अंदर मेरे ख्याल से वही लेक्सस का ही मीटर लगा हुआ है और लेक्सस का ही गियर बॉक्स। हां, ये लेक्सस का ही गियर बॉक्स है। तो ये भागती है काफी, भागती है बहुत, उसकी एक्सेलरेशन है बहुत काफी, लाउड भी है बहुत सा। ये जी है फोर्ड रैप्टर, बीस्ट ऑफ अ मशीन। लेकिन ये डिफरेंट लग रही है। ये आफ्टर मार्केट बम्पर लगा हुआ है, आफ्टर मार्केट टायर्स लगे हुए हैं। हमने ऐसे ही खरीदा था बिकॉज हम ढूंढ रहे थे नॉर्मल रैप्टर, कुछ ना कुछ करेंगे उसको। सो हमको एक मिल गई थी अमेरिका में पूरा। रैप्टर में आपको अच्छी बात क्या लगती है? रैप्टर में ट्विन टर्बो, आई थिंक ट्विन टर्बो और V6। और इसके अंदर जो फ्यूल के रिम्स हैं, व्हील साइज है, व्हील 22 इंच। हां, 22।
ये 525 हॉर्स पावर है, AFE की इंटेक लगी हुई है, हेडर्स लगे हुए हैं, सो एग्जॉस्ट भी लगा हुआ है, फॉक्स के शॉक्स हैं। ये स्टॉक वाले शॉक्स नहीं, ये मॉडिफाइड वाले फॉक्स के, स्टॉक भी फॉक्स आता है। अंदर से देखते हैं, अंदर से आ जाएं। ये भी लेफ्ट हैंड है, ये भी लेफ्ट हैंड है। अच्छा, इस पे फील नहीं होता कि बहुत बड़ी चीज में बैठ गए हो आफ्टर रेवो? पहली देखो, अच्छा पहली दफा जब हमने पोर्ट से पिकअप किया था, हम बहुत बड़ी थी, डैडी भी पहली दफा चला रहे थे, तो पीछे अगर देखो तो इसके पीछे इसके भी बहुत स्पीड है, बहुत अगर आप रेवो से कंपेयर करो तो रेवो तो मैं तो ऐसे लगता है बंदा तंग हो गया। सी रेवो में राइड भी बहुत अनकंफर्टेबल सी है। सी ये तो ट्रॉफी ट्रक है, स्टॉक आउट ऑफ द डीलरशिप। इसमें ऊपर से आपकी वो जो सस्पेंशन है वो भी एडजस्टेबल लगा हुआ, बैंग एंड ओल्सन के जो है ये स्पीकर है, इसमें साउंड सिस्टम है। ये स्टार्ट करके चेक करें, स्टार्ट करके चेक। फोर्ड रैप्टर, फोर्ड बिल्ट ऑफ, आपको अपनी कलेक्शन में से सबसे अच्छी गाड़ी कौन सी लगती है? I think Mustang और ये। Mustang क्यों? Mustang में बहुत aggressive feel भी आता है, इसका जो livery है बड़ी अच्छी है, and sound बहुत अच्छी है। और shape भी पसंद है? Shape भी पसंद है। और ये जो गाड़ी है इसमें क्या अच्छी बात है? ये इसमें twin turbo है, JDM कार की तरह, तो twin turbo V6 और comfortable भी है। बहुत comfortable है, unlike the Revo। गियर लीवर बड़ा इसका, 10 स्पीड ऑटो। और अच्छा, इसके ऊपर ये प्लस माइनस यहां से भी शिफ्ट हो जाता है, आई थिंक सो। हां, पर आपने ये पुल करना होता है और फिर पीछे आता है, फिर वो पीछे आता है। हां सही है। इसमें ये लेन असिस्ट का भी फंक्शन है, पैडल शिफ्टर बड़े इसके, इसमें 360 कैमरा भी है, इसका आर्म रेस्ट बहुत बड़ा है। हां, इसमें ये देखें, ये तो बहुत बड़ा है। इसमें तो मेरे ख्याल से आप भी आ सकते हैं। मैं भी आ सकता हूँ इसमें। फोर्ड ने ये छोटा कर दिया, ये बड़ा कर दिया। चलो ज़िडान यार, अब्बू को बुलाओ, हमने गराज टूर करना है, निकलना है यहाँ से। मैंने तो आपको गराज टूर ऑलरेडी दे दिया है, उनका क्या करना है? रात भी हो रही है यार, रिकॉर्ड हो रहा था। हो गया था रिकॉर्ड। ओ अच्छा, चलो यार, थैंक यू व्यूअर्स फॉर वाचिंग दिस। मेरे ख्याल से थोड़ा कैजुअल हो गया, लेकिन सैडली इनके वाले साहब अवेलेबल नहीं थे, लेकिन ज़िडान थैंक यू, आपने बहुत अच्छा जो है ना हमें ब्रीफ बताया। और एक और चीज, पार्क व्हीलर्स आप मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।